dear students, I hope you all are fine. Today I am standing in front of you as per your demand. आप मुझे हमेशा कहते रहते हैं मैम आप सामने कब आओगे, आप फेस वीडियो कब बनाओगे, तो अब मैं आपको विजिबल हूँ. होपफुली आपको मैं अच्छी लगूँ. थोड़ी सी नर्वस हूँ बिकॉज दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वीडियो. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 8th DAV इंग्लिश. आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हो मैम आप कौन सी बुक्स यूज़ करते हो, कहाँ से वर्कशीट्स डालते हो, हमें क्वेश्चन आंसर्स करवा दो प्लीज़. और मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँ, मैं सिर्फ रीडिंग करवा सकती हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द बुक्स. पिछले 4 साल से मैं क्लास 8th की DAV की इंग्लिश की प्लानर हूँ. ठीक है, फाइन. तो सारा इंग्लिश का मैं ही देखती हूँ लास्ट 4 ईयर्स से. तो मैंने 4 ईयर्स बैक ही अमेज़ॉन से 2 बुक्स बाई की थी. ठीक है, 2 बुक्स बाई की थी और वही 2 बुक्स मैं अब आपको बताने वाली हूँ. एंड प्लीज़ आई वुड रियली लाइक टू टेल यू कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. ठीक है, अभी मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं किया कि मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस करने लग जाऊँ. फाइन, तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ अ नॉर्मल वीडियो इन विच आई एम जस्ट टेलिंग द 2 बुक्स एंड ओनली 2 बुक्स आई एम यूजिंग फॉर क्लास 8th DAV. द फर्स्ट वन इज दिस वन. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई गेस इट इज़. हाँ जी, द नेम ऑफ द बुक इज़ टुगेदर विद इंग्लिश 8 टर्म 1 एंड टर्म 2. ठीक है, ये एक बुक है जो मेरी फेवरेट है. इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. इसमें से ढेर सारी एक्सरसाइजेस ग्रामर की लेती हूँ. अनसीन पैसेजेस हैं इसमें, आपके चारों सेक्शंस हैं. बट प्लीज़ रिमेंबर ये एक हेल्प बुक नहीं है, दिस इज़ अ वर्क बुक. फाइन, इसमें चारों सेक्शन की आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल दिया हुआ है. दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर का भी इसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं. फाइन, एंड ग्रामर का भी बहुत है. प्लस इसमें आंसर्स भी हैं. सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. एंड अनदर थिंग इज विद दिस बुक यू आर गोइंग टू गेट वन मोर यू नो बुकलेट जिसमें 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं लेकिन उनके आंसर्स नहीं है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं. उसके अलावा इस बुक के लास्ट में 2 to 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं. सो दिस बुक इज़ रियली रियली हेल्पफुल. मैं इसको लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ. वेरी नाइस बुक. फाइन, मार्केट में अवेलेबल नहीं है. फाइन, अगर आपको मार्केट से मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मार्केट में ये बुक नहीं मिलती है. इवन मैंने कंपनी से बात की है, वो कह रहे थे कि इसका प्रिंट उन्होंने इस बार तो किया ही नहीं है. और प्लीज़ इसके एडिशन पे मत जाना. इसका कोई सा भी एडिशन आपको मिल जाए, पुराना एडिशन भी मिल जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें मटेरियल बहुत है. पेपर पैटर्न ज़रूर चेंज हो गया है, लेकिन पेपर पैटर्न का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है कि इंग्लिश के पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं. तो हमें तो कॉन्टेंट से मतलब है, तो कॉन्टेंट इसमें है. पेपर पैटर्न के वीडियो का भी जो लिंक है वो मैं साथ में अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जिनको अभी तक नहीं पता कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि फेब में आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, एंड प्रॉबेबली जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो स्कूल्स में ही होंगे. आपको मालूम है आपके आंसर शीट्स बाहर चेक होने जाती हैं और DAV की तरफ से आपको क्वेश्चन पेपर आता है. सो वी रियली नीड टू प्रिपेयर इट जस्ट लाइक अ बोर्ड क्लास. फाइन, नेक्स्ट बुक आई हैव इज दिस वन. दिस इज फुल मार्क्स इंग्लिश. नाउ दिस बुक इज़ द गाइड. ये टोटली एक गाइड है, इसके अंदर कोई वर्कशीट नहीं है. ये बुक में आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हुए हैं, सारे प्रैक्टिस बुक सॉल्व की हुई है, सारी रीडर बुक सॉल्व की हुई है, सारे लिटरेचर सॉल्व की हुई है. ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसमें है. दिस इज़ जस्ट अ सोल्यूशन, दिस इज़ अ गाइड, दिस इज़ अ हेल्प बुक. फाइन, इस बुक से भी मैं हेल्प लेती हूँ, लेकिन इस बुक में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, थोड़ी सी ग्रामर की, थोड़ी सी कॉन्टेंट की प्रॉब्लम है. अदरवाइज़ बुक हेल्पफुल है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो बुक है, होती तो मैं आपको रिकमेंड ही ना करती. ऐसी नहीं है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है. लेकिन इफ़ यू बाय दिस बुक एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, आप मेरे किसी भी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप लिख दो कि मैम ये क्वेश्चन मैंने इस बुक में से पढ़ा है, मुझे उसमें डाउट लग रहा है, आप प्लीज़ एक बार पढ़ दो. तो मैं कॉमेंट सेक्शन में सारे लोगों के आंसर्स करती हूँ. इन केस किसी का कॉमेंट मुझे विजिबल नहीं होता तो दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. फाइन, कई बार वो स्पैम में चला जाता है. अगर उसमें कोई ऐसी वर्डिंग हो तो वो अपने आप स्पैम में चला जाता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द वर्डिंग एज वेल. फाइन, तो आप उसका मुझसे पूछ सकते हो. दोनों बुक्स बहुत बहुत अच्छी बुक्स हैं, 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी. फाइन, अमेजोन पे दोनों पड़ी हैं. आपको मार्केट से मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप मार्केट से जा सकते हो. ठीक है जी, ये वीडियो सिर्फ इन बुक्स के लिए था. इसके अलावा
पाइपलाइन में बहुत सारे वीडियोस हैं, लाइक आपने नरेशन का बोला था, मैंने हाफ ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ है, लेकिन नरेशन ग्रामर का सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे लेंथी टॉपिक है, इसलिए उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके अलावा नॉन फिनाइट है, डायलॉग कंप्लीशन है, मतलब मैंने एक पूरी डायरी लगाई है जिसमें मैंने सारे आपके कॉमेंट्स के लिए लिखे हैं कि आपको क्या क्या वीडियोज़ चाहिए, बट इट विल टेक टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस। Why? Because you know that I am a teacher, I have to look after my school things as well. और वो मतलब उनको पहले करना पड़ता है, और ये मेरा क्लासरूम है और ये मेरी क्लास का बोर्ड है जिससे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो बताना, मैं किसी वीडियो में आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।